अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड के केसेस तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे को हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कुछ और अहम चीज़ें करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अपने वर्क प्लेस पे या आपके घर पे के जो अतराफ की चीज़ें हैं और सरफेसेस हैं, इनको क्लीन और डिसइंफेक्ट करने की बहुत अशद ज़रूरत है। तो आज का मौजू हमारा डिस्कशन का ये रहेगा कि हमको मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स दस्तियाब है जो लोगों को कंफ्यूज करते जा रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स खरीदना और उसको कौन से सरफेस पे किस तरीके से इस्तेमाल करना। तो इससे पहले कि मैं डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में बोलूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी सरफेस को या आपके हाथों को डिसइंफेक्ट करने से पहले आपको प्री क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डर्टी सरफेस जो डस्टी सरफेस जो है वो कोई भी डिसइंफेक्टेंट को डीएक्टिवेट कर देती है और उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देती है। तो आप कितना भी डिसइंफेक्टेंट उस पर यूज़ करें, वो कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आपकी सरफेस जो है डर्टी है या डस्टी है। तो पहला स्टेप आपका प्री क्लीनिंग होना चाहिए, जो हम नॉर्मल सोपी वाटर से कर सकते हैं। आपका क्लॉथ और सोपी वाटर में डिप करके आप पहले सरफेस को प्री क्लीन कर दीजिए। नेक्स्ट जो है, अब आपके डिसइंफेक्टेंट्स क्या खरीदना है। तो बेसिकली तीन किस्म के डिसइंफेक्टेंट्स हमको याद रखने हैं जो कोविड डिसइंफेक्शन के लिए काफ़ी है। नंबर वन, आपके क्लोरीन कंपाउंड्स रहते हैं जो हम रूटीनली हम ब्लीच या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। सेकेंड है अल्कोहल कंपाउंड, जो कॉमनली मार्केट में सैनिटाइजर के नाम से जाने जाते हैं। थर्ड है आपके फिनॉलिक कंपाउंड, जो मार्केट में हम लाइजॉल या फिनॉल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्लोरीन कंपाउंड जो है, ये सबसे अहम चीप और ईजली दस्तियाब प्रोडक्ट है मार्केट में, एंड कोविड डिसइंफेक्शन के लिए सबसे इफेक्टिव माना जाता है। ऑनलाइन आप इसको बहुत इजीली अवेलेबल करा सकते हैं, अगर आप सर्च करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको दो फॉर्म में अवेलेबल है, एक तो लिक्विड फॉर्म में जो सोडियम हाइपोक्लोराइड, और जो पाउडर फॉर्म में है जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। कोविड डिसइंफेक्शन के लिए आपको 1% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपके क्लोरीन कंपाउंड को। तो आप वो कैसा करेंगे, लिक्विड अगर आपके पास है तो 200 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड जो 5% कॉन्सेंट्रेशन में आता है, उसको आपको मिक्स करना है 800 ml वाटर के साथ, तो आपका 1% सोल्यूशन बन जाएगा। अगर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है तो 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून ब्लीचिंग पाउडर आप 1 लीटर पानी में मिलाएंगे तो आपको 1% सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस सोल्यूशन को आप एक स्प्रे बॉटल में डाल के रख के आप स्प्रे वेरियस सरफेसेस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद आपको ये रखना है कि जो आपका जो ये डाइल्यूशन आपने जो आज बनाया है, इसको आप सिर्फ 24 आवर्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 आवर्स के बाद जो ये क्लोरीन कंपाउंड का कोई भी सोल्यूशन है, ये डीएक्टिवेट हो जाता है, ये पानी के बराबर बन जाएगा। अगर आप इसको फिर इस्तेमाल करेंगे 24 आवर्स के बाद, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, इट्स जस्ट इक्वल टू वाटर। सेकेंड चीज़ आपको ख्याल रखना है टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को। जब भी आप कोई क्लोरीन कंपाउंड को स्प्रे करेंगे तो आपको 30 seconds to 1 minute का टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट उस सरफेस पे देना है, उससे पहले उसको पोंछना नहीं है, क्योंकि इतना ज़रूरी है कोरोना वायरस को मारने के लिए। सेकेंड ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हमारे अल्कोहल्स है, जो कॉमनली सैनिटाइजर के नाम से यूज किए मार्केट में मिलते हैं। इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप लेंगे तो आपको लेबल उसका चेक करना है कि जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन है वो 70% से अबोव होनी चाहिए। उससे नीचे अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन है तो ये कोरोना वायरस के लिए इफेक्टिव नहीं है, आपको नहीं खरीदना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो इसके बारे में है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट अगेन जो सेम है 30 seconds to 1 minute। यूजुअली 1 minute में जो आप स्प्रे करने के बाद अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है, देन इट इज गुड कि आपका सरफेस जो है डिसइंफेक्ट हो गया है। थर्ड है आपकी फिनॉइल कंपाउंड, जो लाइजॉल या फिनाइल से रहते हैं। इसका जब आप बॉटल खरीदते हैं तो आप उसका पीछे लेबल देखेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि एक कैप जो है आप 1 लीटर वाटर में डालें। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं एज पर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिनाइल इन दैट बॉटल। तो आपको 1 कप अगर बोले हैं 1 लीटर में डालने के लिए, तो अगर आप 2 डालेंगे तो कोई फायदा नहीं है, अगर हाफ डालेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हाफ डालने से आपका ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा और वो आपको कोरोना वायरस को मारेगा नहीं, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ज्यादा होगा, ज्यादा डालेंगे तो उससे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा। तो प्रॉपर डाइल्यूशन डालना बहुत जरूरी है।
आखिर में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी घर में या आपके वर्क प्लेस में जो सरफेसेस है दो तरीके के होते हैं, हाई टच सरफेसेस, लो टच सरफेसेस। हाई टच सरफेसेस वो तमाम सरफेसेस है जिनको एक इंसान बार बार छूने की टेंडेंसी रखता है, जैसे कि डोर बेल, डोर हैंडल्स, टेबल टॉप, काउंटर टॉप, आपके बेंच, फिर मोबाइल अप्लाइंसेज, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज, रिमोट कंट्रोल्स, टैप का फॉसेट, तो ये सारी बहरहाल जो जो चीज़ को आप ज़्यादा बार टच करते हैं उसको हाई टच सर्फेस कहते हैं। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो लो टच सर्फेसेज होती हैं जिनको हम कम छूते हैं, जैसे कि फ्लोर है, ये लो टच सर्फेस है क्योंकि इसको हम हाथ से नहीं छूते हैं। तो अब हम चार किस्म के सर्फेस रहेंगे आपके घर में। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पोरस हार्ड सर्फेसेज, तो जो भी हाई टच पॉइंट्स है ये देखा गया है कि वो हार्ड सर्फेसेज रहते हैं, इसके ऊपर आप 1% हाइपोक्लोराइड स्प्रे करके अपने आप को अपनी सरफेस को सेफ कर सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, सिर्फ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को और डाइल्यूशन का ख्याल आपको रखना है। सेकेंड है आपके जो है फ्लोर है, जो लो टच सरफेस है, तो इसको आप फिनाइल कंपाउंड से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको लो टच है, इसको आपको अल्कोहल यूज नहीं करना है आपको। अगर आपके पास फिनाइल नहीं है तो आप हाइपोक्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, मगर फिनाइल बेटर रहेगा। थर्ड है आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, जैसे मोबाइल फोन हो या लैपटॉप, ये सब को आप अल्कोहल से बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको स्प्रे करेंगे और एक मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक कि वो ड्राई हो जाएगा, एंड ये आपके लिए सेफ हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप एक कॉटन वूल स्वैप पे ले सकते हैं या टिश्यू पेपर पे स्प्रे कर सकते हैं, और उसके बाद से आप सरफेस को स्वाइप कर सकते हैं, वाइप करके आप उसको एक मिनट के लिए छोड़ दें जब तक अल्कोहल ड्राई हो जाता है। फोर्थ किस्म के चीज़ें रहते हैं आपका लिनन, जैसे कि टॉवल हो, बेडशीट, आपके कपड़े, कर्टन्स, जो भी आप घर पे जो लिनन आप निकलता है, इसको जो है डिसइंफेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हॉट वाटर अगर आप ले रहे हैं विद डिटर्जेंट एंड सो, एनी काइंड ऑफ डिटर्जेंट एंड सो, और उसमें आप डिप करके रख रहे हैं 30 मिनट्स के लिए, वो काफ़ी है। एक्सेप्ट अगर आपके पास एक कोविड पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट के जो आप कपड़े हैं, लिनन है, वो आपको निकाल के 1% हाइपोक्लोराइड में 30 मिनट्स डिप करना है, और उसके बाद से आप रूटीन हॉट वाटर और डिटर्जेंट से धो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का अगर आप खास तौर पर ख्याल रखेंगे इस पैंडेमिक में, तो आपका घर सेफ हो जाएगा रहने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।